अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरी पार्टी की मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो मैं आपके सामने इस तरह हूँ जैसे सूरज के सामने दिया रख दिया जाए। आप बहुत बड़े तलीम जाते अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ कि जब मैं स्कूल में आया ना तो मैंने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल अपनी मिसाल आप है। ये जब मैं डिसिप्लिन देखा तो अपनी मिसाल आप, ये तलीमी लिहाज को जब देखा तो अपनी मिसाल आप। तो उस्तादों का इत्तेफाक और प्यार और मोहब्बत ये देखी और लगन देखी तो अपनी मिसाल आप। मैंने डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ लिया डिवीजन में अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है। मैं हल्फिया ये तारीफ तो मेरे अल्लाह ताला की है। ये हकीकत कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर पूरे पंजाब में अपनी मिसाल आप है, आप है, आप है, आप है। इसमें चिट्टा तानी नहीं है, पार्टी वाली नहीं है। हर उस्ताद अल्हम्दुलिल्लाह अपना फरीदा समझ के इतना अच्छा काम करता है कि अपनी मिसाल आप है। बल्कि एक दफा प्रोग्राम हुआ मुजफ्फरगढ़ में, मैं मुझे बुलाया गया। मैं कहा भाई देखो आप भी मुलाजमत करते हैं, हम मैं भी मुलाजमत, मैं छोटा सा मुलाजमत, जैसे सूरज के सामने छोटा सा चिराग जला दिया जाए तो मेरे टूटे फूटे अल्फाज नीट है कबूल फरमाएंगे। हाँ एक मैंने किसी उस्ताद में तकब्बुर नहीं देखा। हर बच्चे के लिए बहुत बेहतरीन उनको पढ़ाया तरबियत, और हर उस्ताद एक गोल की माने जाए अपने फूल से खुशबू आती है। हर बच्चे चाहे कोई मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो सबके साथ बेहतरीन रवैया। और एक उस्ताद दूसरे सबसे बड़ी केस में पार्टी बाजी नहीं, बिल्कुल नहीं है गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर में। ऐसे उस्ताद ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। मैंने देखे 15-20 स्कूल तो मैंने देखे होंगे। ये गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर अपनी मिसाल आप है, आप है, आप है। इतनी मोहब्बत, मैं हल्फ कहता हूं कि मैं आ रहा था तो मेरी आंखों में कुछ पानी आ गया। पानी तो एक ने कहा कि आपकी आंखों में पानी है, मैं कहती बिल्कुल है। कैकरी पड़ के हवा लग गई, मैं कहना हवा लगी ना कैकरी पड़ी, ये मेरे दोस्तों की जुदाई कर दी, मेरी आंखें बता रही है। हाँ ये मैं कहना चाहता हूँ, मुझे माफ कर देना। सभी उस्ताद काबिले तारीफ, हाँ तारीफ मेरे अल्लाह, लेकिन उसके बाद इंसान भी ऐसे होते हैं अल्लाह तबारक तआला ने उसमें इतनी खूबियां पैदा कर देता है तो तारीफ के लायक होते हैं। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हाँ मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैं छोटा सा ही मुलाजिम हूँ, तो मैंने जो कुछ इधर सीखा देखा इतना कुछ पाया, खोया कुछ नहीं, इतना कुछ पाया जो मेरी जिंदगी के लिए बहुत कुछ है। तो मैं हाँ अगर मेरे मुंह से कोई बात निकल गई हो गलत वगैरह तो मुझे माफ कर देना। खास तौर बशीर साहब है, जान साहब है, दूसरे मेरे दोस्त, तो मैं माफी चाहता हूँ। और आपने मेरा बहुत अच्छा आलम तो पार्टी की मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और खास तौर में मैं फिर कहना चाहता हूँ हमारे ये प्रिंसिपल साहब हैं ये कलंदर, जिस पर इंसान है कलंदर नवाब दरवेश नवाब, मैंने देखा कि मेरे साथ ग्राउंड में उन्होंने काम किया, रफ्स पे काम किया हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही टीम ये मेरे अल्लाह ताला की खास करते नहीं, मैंने देखा है हर स्कूल में देखा है, लेकिन इधर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन पढ़ाने वाले काबिले इज्जत और उनको दीन से भी लगन, अल्हम्दुलिल्लाह दीन से भी लगन है, इल्म से भी लगन है, सुकून से भी लगन है। ये रोजी अपने हलाल करके खाते हैं, खाते अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी बड़ी मेहरबानी। हाँ मैं कह रहा था कि अगर मेरी एक दो मजबूरियां ना होती तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि कभी आपसे गुजारा होता, क्योंकि ऐसा स्कूल जिंदगी में मुझे पहले मिला ही नहीं, और ये मिले कभी नहीं आपसे। आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको हमेशा आबाद रखे। तो आपकी दुआ मेरे साथ रहे तो मैं
दावेदार आपके आपका भाई, अल्लाह आपको सलाम करके थैंक यू वेरी मच, बहुत बड़ी मेहरबानी सर। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सब दोस्तों का खासतौर पर प्रिंसिपल साहब और जितनी जो टीम इस प्रोग्राम में शामिल है, बाप है पाकि बल्कि सारे दोस्त ही शामिल हैं, लेकिन उनकी काविश का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस काबिल नहीं था, ना समझता हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत देकर बहुत जो है फख्र महसूस किया मैंने। तो अल्लाह ताला जो है आप सबको सलामत रखे। वैसे ये ज़िंदगी का हिस्सा है कि दोस्त आते हैं जाते हैं, और हर इंसान की, हर आदमी की एक अपनी जगह होती है। तो आप सब दोस्तों की हर एक के लिए, मेरे दिल में जो है हर एक के लिए अलग अलग जो है जगह है, सारे मेरे दिल में है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मैंने यहाँ पर आकर एक अपनाइयत छिपाई है। दिली तौर पर मेरा इरादा नहीं था कि ये स्कूल मैं छोड़ूँ, लेकिन कुछ दोस्तों की या कुछ हालात होते हैं, वाकयात होते हैं, इस वजह से मैं यहाँ से जो है रुखसत हो रहा हूँ। तो अगर इस दौरान में थोड़ा सा दौरान यह है मेरा 2 साल का तकरीबन, इस दौरान में अगर कोई मुझसे कोई ज्यादती होगी हो किसी के साथ, या कोई सख्त हार्श वर्ड हो जाते हैं, तो उसकी मदद चाहता हूँ। मजीद आप हमें दुआओं में रखें, और बस बाकी क्या आपने तो इतना जो है अरेंज किया है, इसका बेहद मैं शुक्रगुजार हूँ। दुआओं में याद रखा, अल्लाह और आप आपकी खिदमत इंशाल्लाह स्कूल हमेशा याद रखेगा। और आप दोनों साहिबान के लिए ये स्कूल वैसे ही है जैसे पहले था, और जब भी आएंगे आपको वेलकम किया जाएगा सर। तो अब आखिर में मैं इल्तमास करूंगा मोहतरम जनाब वाइस प्रिंसिपल बशीर साहब का कि उस स्टेज पे आकर अपने ख्याल का इजहार करें। जनाब मोहतरम बशीर साहब, जनाब औरंगजेब साहब, जनाब रहमत अली साहब, जनाब अब्दुल गफ्फार साहब, आप सब तशरीफ लाए, आपका शुक्रिया। औरंगजेब साहब ने चंद साल हमारे साथ गुजारे हैं, बहुत अच्छा इन्होंने इतना ऐसा यहाँ रहे, बहुत अच्छा अच्छे अंदाज में अपना जो तलीमी काम है सर अंजाम दिया, वक्त की पाबंदी की, स्कूल में बच्चों को अच्छे तरीके से इन्होंने गाइड किया, उनकी रहनुमाई की। इसी तरह रहमत साहब भी थोड़ा अर्सा हमारे पास रहे, तो ये तो अपनी मिसाल आप हैं। जैसे इन्होंने कहा कि फतेहपुर हाई स्कूल, फतेहपुर जो है उसकी पूरे पंजाब में वो एक मिसाली स्कूल है, तो मैं कहूँगा कि पी टी रहमत साहब जो है पूरे पंजाब में जो है अपनी मिसाल है। कोई सानी नहीं है, ना पहले जैसा हमने कोई पी टी साहब देखा और ना ही देख पाएंगे। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। जनाब गफ्फार साहब जो हमारे टीम में नए शामिल हुए हैं, तो उनको भी खुश आमदीद, वो तशरीफ लाए, अपनी सलाहियतों का भरपूर जो है वो मुजाहरा करेंगे और बच्चों की रहनुमाई करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।